नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। पानी में डूबने से जनपद में अलग अलग स्थानों पर एक 45 वर्षीय व्यक्ति तथा 15 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से शवों का रेस्क्यू कर पानी से बाहर निकाला। परिवार में मचा कोहराम। आपको बता दें कि बिजनौर के थाना चांदपुर के खादर के ग्राम रायपुर खादर के नाहर सिंह निवासी पानी के आने की सूचना पर खेत पर डेरा बनाकर रह रहे अपने पिता को लेने गया था। पिता ने नाहर सिंह को घर वापस भेज दिया था। रास्ते में तेज पानी के आने की वजह से नाहर सिंह पानी के बहाव में बह गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। SDRF व स्थानीय प्रशासन व स्थानीय लोगों की मेहनत से बमुश्किल शव को पानी से ढूंढ निकाला। घटना से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। दूसरी घटना थाना बड़ापुर क्षेत्र के शाहनगर कुराली की है, जहां पर 5 बच्चे रामगंगा नदी में नहाने गए हुए थे। 4 बच्चे पानी से सुरक्षित निकले। एक 15 वर्षीय युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। चांदपुर से मोहम्मद श्वेब की एक खास रिपोर्ट। आज रात्रि में थाना चांदपुर में नाहर सिंह और बड़ापुर थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी में अंकुश नाम के एक 15 वर्षीय बच्चे की दुखद मृत्यु हुई। इनके डूबने की जब तक सूचना मिली, फ्लड PSC पुलिस बल वहाँ पहुँचा। ये लोग डूब चुके थे। शव को बड़े मशक्कत के साथ बाहर निकाला गया। लोगों से अपील है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर घूमने न जाए, नहाने न जाए, इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में, सैरगाह के रूप में इस्तेमाल न करें। जो जागरूकता का अभियान पुलिस प्रशासन द्वारा किया जा रहा उस पर ध्यान दें। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।